Welcome back, student, for our new concept on application of derivative. अभी डेरिवेटिव हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, तो अभी इसका एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा. बिलीव मी, बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में, पर अपने को ये फिजिक्स में हमेशा लगता है. बहुत बार ऐसे सम्स आएंगे जहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट लगानी है कि व्हाट इज मैक्सिमा व्हाट इज मिनिमा. सो लेट अस स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक सिंगल पार्ट, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, रिमेनिंग एप्लीकेशन आप रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ोगे, जैसे काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे और आगे और कुछ जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स में वहां पे लगेंगे, बट इधर यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, तो लेट अस कंसिडर द ग्राफ वेयर आई विल ड्रॉ अ बिगर ग्राफ फॉर यू. चलो एक बड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करिए. ये ग्राफ है y और x का. ये रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू f ऑफ x. नाउ आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर कि इसका मतलब क्या है, कि y फंक्शन है x का, y x पे डिपेंड है. जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू भी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है. तो y इज अ फंक्शन ऑफ x. So, आप देख लो कि ये जो पॉइंट यहां पे है और ये जो पॉइंट यहां पे है, ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू और बी रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम वैल्यू. तो यू कैन सी ए पे वाई की वैल्यू मैक्सिमम है और बी पॉइंट पे वाई की वैल्यू मिनिमम है. सो कंडीशन क्या है, कब वैल्यू मैक्सिमम बनेगी, कब वैल्यू मिनिमम बनेगी, दैट वी आर गोइंग टू चेक. वी आर गोइंग टू सी द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. अब बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और इस टेंजेंट का मैं स्लोप फाइंड करूंगा, तो गारंटेडली आंसर क्या आएगा, देख के पता चलता है कि इसका आंसर जीरो आने वाला है, क्योंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है. स्लोप का फॉर्मूला होता है टैन थीटा. ओके, स्लोप का फॉर्मूला टैन थीटा है और थीटा की वैल्यू जीरो है व्हेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. It is parallel to x-axis. So, tan 0, तो answer 0 है. तो slope इस line का 0 है. Slope का मतलब हमने last lecture में लिया कि dy by dx की value 0 है. तो इस point पे, maximum point पे, अगर मैं tangent draw करता हूँ, तो उसकी value 0 आएगी. dy by dx की value कितनी हो जाएगी, 0. तो derivative at maxima is 0. That is the condition. Derivative of maxima is 0. Minima पे condition कैसे? तो मिनिमा पे भी अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसका भी वैल्यू जीरो आ जाएगा. तो यहां पे भी dy by dx जीरो है, यहां पे भी dy by dx जीरो है. तो दोनों मैक्सिमा रहने दो, मिनिमा रहने दो, वो ऐसे पॉइंट्स है वेयर डेरिवेटिव इज जीरो. dy by dx की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है. ये पहली कंडीशन है. तो अभी यूनिकली मैं कैसे बताऊं कि कहां पे मैक्सिमम है, कहां पे मिनिमम है, तो इसको थोड़ा आगे से स्टडी करते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि व्हाट हैपन एट दिस पॉइंट एंड व्हाट हैपन एक्चुअली एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट में नेबरिंग कंडीशन चेक करते हैं. लेट मी कंसिडर दिस पॉइंट पी, और यहां पर एक पॉइंट लेता हूं मैं क्यू. ये दो पॉइंट के ऊपर स्टडी करते हैं बहुत ईजी, कि भाई इस पॉइंट पे स्लोप कैसे है, dy by dx. वैसे स्लोप दैट इज dy by dx. तो ये पॉइंट P पे स्लोप कैसे, dy by dx कैसे. तो मैंने यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया. तो मोमेंट आई ड्रॉ टेंजेंट, ये थीटा हो गया x एक्सिस के साथ. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा. थोड़ा आप उसका आगे वाला पॉइंट चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे थीटा की वैल्यू छोटी हो गई. तो ये ऐसे था और ये ऐसे हो गया, तो बेंडिंग ऐसे हो रहा है, तो स्लोप कम हो रहा है, बट स्लोप इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब है dy by dx की वैल्यू यहां पे क्या है, पॉजिटिव है इस साइड पे. अगर मैं a के ये साइड चेक करता हूं, लेट अस से q पॉइंट पे, और मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये ऑब्ट्यूस है, तो गारंटेडली यहां पर स्लोप क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है. और यहां पर बढ़ते जा रहा है उसका नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी. अगर नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एक्चुअल में स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है.
तो यहां पे पॉजिटिव है स्लोप का वैल्यू, यहां पे नेगेटिव है. तो इफ यू सी द स्लोप इट इज डिक्रीजिंग. यहां पे स्लोप ऐसे कम 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 होती गया, फिर यहां पे भी क्या हो गया, कम हो गया. तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे क्या हो रही है, कम हो रही है. तो उसका रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डीवाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मतलब व्हेन आई राइट डी बाई डी एक्स, मतलब मैं बोल रहा हूं कि एक्स के हिसाब से वैल्यू चेंज हो रही है. किसकी, स्लोप की. स्लोप मतलब क्या है, डीवाई बाई डी एक्स. डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप. स्लोप का रेट मैं निकाल रहा हूं, dy by dx स्लोप है, और स्लोप का मैं क्या निकाल रहा हूं, रेट निकाल रहा हूं कि ये वैल्यू कैसे चेंज हो रही है. तो इसका आंसर ये वैल्यू कम होते जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई और ये वैल्यू कम होते जा रही है. रेट कम होते जा रहा है मतलब रेट नेगेटिव है. रेट अगर कम हो रहा है मतलब नेगेटिव, मतलब इट इज लेस देन व्हाट, जीरो. इसको कैसे लिखते हैं हम, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज हायर ऑर्डर. तो ये क्या है, लेस देन जीरो. तो ये वाली कंडीशन किसके लिए मिली मुझे, मैक्सिमा के लिए. ठीक है. सो यहां पे रेट जो है वो रेट ऑफ डीवाई बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग. सो मैंने क्या लिखा, लेस देन जीरो. तो ये कंडीशन बन गया मैक्सिमा का. ठीक है, फिर से अच्छे से समझ लेना, मैं बात कर रहा हूं डीवाई बाई डी एक्स की. डीवाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप. यहां से लेके यहां तक, मतलब मैं P पॉइंट से स्टार्ट किया, Q पॉइंट तक गया, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी. तो dy by dx का स्लोप, मतलब ये जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. सो द वैल्यू इज लेस देन जीरो. अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट पे, चलो अभी इस पॉइंट पे थोड़ा समझ लो. लेट मी कंसिडर दिस पॉइंट एज लेट अस से C, और ये पॉइंट में डी बात करता हूं. तो यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, If I'm drawing a tangent, तो ये obtuse है, obtuse angle है, तो obtuse में I can say slope is negative. क्योंकि किसी भी tangent की tan की value obtuse angle के negative होती है. और यहाँ पे अगर मैं draw कर रहा हूँ, तो यहाँ पे slope कैसे है, positive हो गया, क्योंकि यहाँ पे angle कैसे बन रहा है, acute. तो जब theta acute बनेगा, तो guaranteedly slope positive. थीटा ऑप्टियस बनेगा, तो स्लोप क्या बनेगा, नेगेटिव. मतलब अगर मैं यहां से ऐसे ट्रैवल करके इधर जा रहा हूं, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. मतलब स्लोप नेगेटिव से होके जीरो होके पॉजिटिव हो गया. मतलब यहां पे स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है. इस केस में जब मैं P से Q की तरफ गया, तो स्लोप की वैल्यू कम हो रही थी. और यहां पे जब मैं C से D जा रहा हूं, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, मैं ऑब्ट्यूस एंगल से एक्यूट एंगल की तरफ चला गया. मींस व्हाट, द वैल्यू ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग. स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स. तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. x के हिसाब से ये dy बाई डी एक्स कैसे चेंज हो रहा है, x के हिसाब से ये dy by dx मतलब स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, तो बढ़ रहा है. बढ़ रहा है मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर दैन जीरो. तो रेट इज पॉजिटिव. यहां पे रेट इज नेगेटिव बिकॉज द वैल्यू इज डिक्रीजिंग. यहां पे रेट इज पॉजिटिव बिकॉज वैल्यू इज इंक्रीजिंग. सो देयरफॉर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर दैन जीरो. ये कंडीशन हो गई मिनिमम. ठीक है, तो जनरली मैंने तीन चीजें यहां पे बताई. पहला चीज देखो, ये कॉन्सेप्चुअली आप कितना समझ पा रहे हो, बिकॉज वी आर डूइंग दिस लिटिल बिट इन यू नो हरी. तो ये जो पॉइंट्स हैं वो एटलीस्ट आप याद रखिए कि इसमें क्या कंसेप्ट है. कि पहली बात तो ए और बी में जब मैक्सिमा और मिनिमा होता है, तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy by dx की वैल्यू कितनी होती है, जीरो. मैक्सिमा वो कंडीशन है जहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो. और मिनिमा वो कंडीशन है जहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो. तो ये कंडीशंस याद रखने, एक ये वाला याद रखना है और ये वाले दो कंडीशन याद रखने. इससे हम टेक्निक बनाएंगे हाउ टू सॉल्व सम्स. बट याद रखिए, ये मैक्सिमा पॉइंट पे वैल्यूज कैसे, स्लोप कैसे चेंज हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था मतलब स्लोप डिक्रीज होते जा रहा था, रेट डिक्रीज होते जा रहा था, तो लेस देन जीरो. और जब मैं मिनिमा पे बात कर रहा हूं, तो स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया मतलब स्लोप की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी. बढ़ रही थी मतलब क्या था, ग्रेटर देन जीरो.
ठीक है। सो ये कंडीशन हो गया मिनिमा का और ये कंडीशन हो गया मैक्सिमा का। तो मुझे लग रहा है आप ये बाय हार्ट कर दो अच्छे से, क्योंकि हमें ये यूज करना है। नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व सम, इसके कुछ टेक्निक्स बनाते हैं, ठीक है। सो लेट अस गो फॉर हाउ टू सॉल्व सम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैंने यहां पे चार स्टेप बनाए, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप dy by dx फाइंड करिए, अपने प्रीवियस वीडियो में देखा डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फिर dy by dx की वैल्यू जीरो डाल दीजिए, उससे x की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार आपको x मिल गया तो ये d square y upon d square x dx square, इसकी कंडीशंस फाइंड करें कि भाई कौन से वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम जा रही है, क्यों मिनिमम जा रही है, ठीक है। अगर d square y upon dx square की वैल्यू लेस देन 0 आई तो वो मैक्सिमा की कंडीशन होगी, ग्रेटर देन 0 आ गई तो मिनिमा की कंडीशन आ गई। तो ये x की वैल्यू जो अपने को यहां पे मिली है वो मैक्सिमा के लिए है या मिनिमा के लिए, वो यहां पे चेक करेंगे थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप में अपन वो x की वैल्यू गिवन कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सर तो फोर्थ स्टेप मैंने यहां पे लिख के रखा है, लेट अस गो फॉर दिस सम वेयर यू हैव टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड इक्वेशन इज गिवन टू यू, y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो सबसे पहला सेवन क्या फाइंड करके डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, इसको कैसे करते हैं, 3 स्टार्टिंग में आएगा और पावर 1 से कम हो जाएगी, बराबर है। फॉर्मूला लगाया यहां पे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और 6 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x ये हो गई dy बाय dx। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप। तो मैंने dy by dx फाइंड कर लिया, अभी dy by dx की वैल्यू 0 डाल देता हूं। सो 3x square minus 6x की वैल्यू 0, x कॉमन निकालिए, 3x minus 6 is equal to 0। तो either x की वैल्यू 0 है या फिर 3x minus 6 की वैल्यू क्या है 0, तो 3x is equal to 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की वैल्यू 0 मिली, x की वैल्यू 2 मिल गई। तो x की मुझे दो वैल्यूज मिली बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मुझे गारंटेडली दो वैल्यूज x के मिलने ही थे। जैसे मुझे x के दो वैल्यू मिलेंगे अब मैं चेक करूंगा d2y / dx2। तो चलो सबसे पहले हम इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं, और एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2y / dx2, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। और एक बार डेरिवेटिव निकाला तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x2 का क्या हो जाएगा 2x, बराबर है माइनस 6x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो इसका आंसर आएगा 6x माइनस 6, ठीक है। तो ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका फिर से डेरिवेटिव निकाला मैंने तो मुझे ये मिला। अभी ये 6x माइनस 6, अब आप सोचो x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा। सो dy बाय dx सॉरी d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 डाल रहा हूं तो ये x की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस 6 विच इज गारंटेडली लेस देन 0। तो ये वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के लिए कितनी आ रही है माइनस 6 विच इज लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ, यस इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि यहां पे लेस देन 0 मिल रही है। और चलो x इज इक्वल टू 2 डाल के देखते हैं, यहां पे अगर d स्क्वायर y अपॉन dx के जगह पे x इज इक्वल टू अगर 2 डाल दिया, अगर 2 डाल दिया तो 6 2 = 12, 12 माइनस 6 आंसर इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन किसके लिए हो गई मैक्सिमा के लिए। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी ये पॉइंट किसका हो गया मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 0 पे मुझे मैक्सिमा मिल रहा है और x इज इक्वल टू 2 पे मुझे मिनिमा मिल रहा है। तो देखो मेरा थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। तो थर्ड स्टेप में मैंने d स्क्वायर y / dx को फाइंड किया और ये जो x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, एक बार मुझे लेस देन 0 मिला और जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे ग्रेटर देन 0 मिला। लेस देन 0 मिला मतलब वो पॉइंट मैक्सिमा हो गया, ग्रेटर देन 0 मिला मतलब वो पॉइंट मिनिमा हो गया। नाउ आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। तो क्या कर देंगे, जो गिवन इक्वेशन है वहां पे ये वैल्यू डाल देते हैं। तो फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू कितनी डालेंगे 0, तो यहां पे 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, x क्यूब ये 0 हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 6। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई है ना। और मिनिमा के लिए, मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी डालेंगे 2, तो x की वैल्यू 2 डाल दी तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6, तो ये हो जाता है 2 का क्यूब कितना है दैट इज 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12,
12 प्लस 6, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 14, आंसर 2 हो गया, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू y की 6 है और मिनिमम वैल्यू y की 2 है। इजी, ऐसे हम सब को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज हाउ आई कैलकुलेटेड द वैल्यू, दिस इज हाउ आई हैव कैलकुलेटेड वैल्यू। तो पहले स्टेप में देखो dy / dx फाइंड कर लिया बहुत सिंपल वे में, फिर दूसरे स्टेप में x की वैल्यू फाइंड कर ली, तीसरे स्टेप में मैंने कंडीशन चेक किया, तो जिसके लिए लेस देन 0 वो क्या बन जाएगा मैक्सिमा, और जिसके लिए ग्रेटर देन 0 है वो क्या बन जाएगा मिनिमा। तो x की पॉइंट्स पता चल गए कि भाई x = 0 पे वो मैक्सिमा है, x = 2 पे मिनिमा है, यही x की वैल्यू गिवन कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल वे में हम मैक्सिमा और मिनिमा के सम्स करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप अच्छे से नोट डाउन करके याद रखना और हमेशा ये स्टेप अप्लाई करना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स कंप्लीटेड आवर मैक्सिमा मिनिमा पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस मोर अबाउट कैलकुलस। थैंक यू वेरी मच।